हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है मल्टीपल लोन ऐप्स पर ज्यादा मुसीबत यहाँ पर बहुत सारे लोग मल्टीपल लोन ऐप्स लिए हैं मतलब मल्टीपल लोन ऐप्स से लोन लिए हैं मल्टीपल लोन ऐप्स का मतलब क्या है एक लोन ऐप्स से ज्यादा मतलब दो भी हो सकता है या फिर आपका चार हो सकता है मतलब एक से ज्यादा उसको मल्टीपल बोला जाता है ठीक है तो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो मुसीबत ज्यादा यहाँ पर लोगों को लग रहा है बहुत सारे लोगों को झेलना भी पड़ रहा है बहुत ज्यादा मुसीबत आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये मल्टीपल लोन ऐप से अगर आपने लोन लिया है रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मुसीबत ज़्यादा क्या होगा आपके साथ एट द एंड तक क्या हो सकता है आपके साथ मानो कि आप लोगों ने यहाँ पर पांच लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या फिर दस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है अलग अलग लोन एप्लीकेशन से अलग अलग अमाउंट लिया है और टोटल अमाउंट जो है बढ़ के चला गया है दो लाख तीन लाख इस तरीके से जो है आप लोगों का अमाउंट बढ़ गया है अब आप लोगों के मन में जो है डर है आप लोगों के मन में बहुत सारे डर है कि ये कंपनी आपके साथ कुछ करेगा या फिर ऐसा कुछ जो भी है मुसीबत जो है आप लोगों को झेलना पड़ रहा है तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल बताने वाला हूँ वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए अगर दोस्तों अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें इससे क्या होगा जो भी लोडिकेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों यहां पर मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लगभग नाइन्टी परसेंट लोगों ने लिया है जब लोन देता है आपका सिविल साढ़े सात सौ के आसपास था ठीक है तो क्या होता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि एक लोन एप्लीकेशन में फंसा हुआ है जितने भी लोग आप लोग मेरे वीडियोज देख रहे हो वो सभी एक से ज्यादा ही लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंसा हुआ है किसी ने पांच से लिया है किसी ने दस से लिया है किसी ने बीस से लिया है अलग अलग अमाउंट हो सकता है तो यहां पर नाइन्टी लोग मैं क्यों बोल रहा हूं जब मानो आप लोग लोन ले रहे थे कोविड के टाइम 2019 2020 इस टाइम पे जो है ये कंपनी वाले आप लोगों को लोन देना प्रोवाइड किया था इतना जल्दी मतलब बोला था कि भाई चुटकी में दस मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा और आप लोग भी सोचे थे भाई पैन कार्ड आधार कार्ड देने पर आप लोगों को लोन मिल जा रहा है कहीं पर भी ऐसा जो है सुविधा नहीं है चलो मैं लोन ले लेता हूं आपका सिविल भी सही था तब आपने कहीं पर ऐसा लोन लेके आप लोग डिफॉल्ट नहीं किए थे सिविल साढ़े सात सौ था किसी का साढ़े सात सौ से ऊपर था तो इससे क्या हुआ आप लोगों को लोन मिल गया आसानी से अब लोन मिलते ही क्या हुआ सिविल खराब थोड़ी इंस्टेंटली हो जाता है साढ़े सात सौ लोन था तो आपने एक लोन एप्लीकेशन से अप्लाई किया आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया ठीक है तो आपने क्या सोचा कि भाई एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिया छोटा अमाउंट मिला क्योंकि लोन एप्लीकेशन से उतना बड़ा अमाउंट देता नहीं है तो आपने पांच छे में अप्लाई कर दिया पांच छे में आपने अप्लाई किया साढ़े सात सौ था तो पांच छह से ही आपको लोन मिल गया तो ऐसे ऐसे करते करते आपने दस लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया अब इससे क्या हुआ आप लोगों का लोन का अकाउंट भी बढ़ गया ठीक है लोन का अकाउंट भी बढ़ गया और अमाउंट भी जो मानो आप आ, सोचे समझे बिना आप लोग ये काम करते हो यहां पर देखो बहुत सारे लोग गलत काम कैसे करते हैं ये लोन मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लेके मानो कि दो लाख अमाउंट वो इकट्ठा कर लिया अब वो अमाउंट जो है वो क्या करते हैं गलत सोच रखते हैं कि भाई मैं इस एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन होता है या फिर गेम में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ चलो इसका पैसा मैं दो लाख का है इसको डबल करके चार लाख बना लूंगा ठीक है इसका डबल करके चार लाख बना दूंगा और क्या होता है कि ये दो लाख पूरा अमाउंट डूब जाता है होता है ऐसा ही होता है क्योंकि गेम का जो भी होता है ना गेम उसी तरीके से डिजाइन किया होता है आप लोगों को जब भी साइन अप करने पर देखेंगे साइन अप करेंगे तो आपको सौ रुपये मिला ठीक है अब वो सौ रुपये खेलेंगे तो आपको मिल गया दो सौ रुपये इसी तरीके से आपने क्या किया हज़ार रुपये कर लिया अब हजार रुपये करने के बाद आपने सोचा कि विड्रो मार लेता हूं विड मारे तो विड्रो भी हो गया तो आप लोगों को लगा भाई आप जो है यहाँ पर खिलाड़ी हो गए बादशाह हो गए आपको कोई भी हरा नहीं सकता तो आपके मन में लालच आ गया तो आप सोचे कि भाई आपके पास तो पैसा नहीं है अब ये जो भी एप्लीकेशन है इसमें जो भी गेम्स है इसमें मैं पैसा लगाऊंगा ज्यादा अमाउंट लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा पैसा ही नहीं है तो लोन एप्लीकेशन से लोन लेके आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया भाई बड़ा अमाउंट लगाऊंगा तो बड़ा जीतूंगा ना हजार हजार में जो हो रहा है दो हजार हो रहा है अगर यही अमाउंट जो है अगर दस हजार कर लूंगा बीस हजार मिलेगा अगर यही अमाउंट दो लाख करूंगा तो भाई चार लाख हो जाएगा इसी तरीके का गलत फहमी से आप लोग फंसते हो यहां पर आप लोगों ने क्या किया इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो लोग क्या करते हैं आप लोगों को ट्रैक करते हैं ठीक है आप लोगों को लगता है कि आप उनको उनको लूट रहे हो लेकिन नहीं ये गेम बनाया है उसी तरीके से कि आपको लूट ले लूटने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है आप लोगों ने दो लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए आप लोगों का अकाउंट उसने ट्रैक कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया बस बात खत्म कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि वो जो भी है वो चाइनीज़ है ठीक है ये यहाँ का एप्लीकेशन है ही नहीं ये चाइनीज एप्लीकेशन गेम एप्लीकेशन होता है अब आप लोग यहाँ पर फंस जाते हो और आप लोगों को पूरा लॉस हो जाता है दो लाख अमाउंट आप सोचे थे क्या हो गया है क्या चार लाख आपको मिलने वाला था लेकिन मिला कितना जीरो फेंगा कुछ भी नहीं मिला तो अब आप आपको डर है कि भाई ये अमाउंट पेमेंट अब कैसे करूँगी दिक्कत तो यही होता है ना आज के टाइम में यही दिक्कत होता है तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल लोन एप्लीकेशन एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हो जो हैरेसमेंट आपको होता है ठीक है सेम उसी तरीके का हैरेसमेंट दस लोन एप्लीकेशन में अगर आपने लोन लिया होगा सेम वही हेरेसमेंट मिलेगा लेकिन उससे दस गुना ज्यादा मिलेगा क्यों मिलेगा मैं बता रहा हूँ एक लोन एप्लीकेशन से मानो पचास बार कॉल आ रहा है आपके पास दस लोन एप्लीकेशन पचास गुना आप दस कर दो समझो किस कितना एप्लीकेशन तो, मतलब कितना फ़ोन कॉल्स आएगा मतलब इतना आता नहीं है पाँच सौ कॉल तो आता नहीं है मैं आप लोगों का अप्रॉक्स बता रहा हूँ जो ज़्यादा ही हो गया थोड़ा दस आप लोग समझ लो दस और यहाँ पर दस लोन एप्लीकेशन तो हर दिन के हिसाब से सौ सौ कॉल्स आएगा तो आप समझो एक फ़ोन में सौ बार कॉल आएगा अगर आप फ़ोन काटो कट करोगे तो फ़ोन आता ही जाएगा कॉलिंग कॉलिंग इस तरीके का फ़ोन आता ही जाएगा मतलब वो फ़ोन जो है टोटली बेकार हो जाएगा तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो और आपका काम इससे बना सकते हो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है ठीक है टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोग उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अच्छा एप्लीकेशन है मैं खुद यूज़ करता हूँ ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर कॉल का तो बात यहाँ पर हो गया चलो कॉल जो है रिजेक्ट कर दिया आपने कॉल का यहाँ पर रिजेक्ट हो गया लेकिन जो हेरासमेंट आप लोग कर रहा है बार बार लीगल नोटिस आ रहा है आपके पास आपके घर में भी पता नहीं है आपने लोन लिया है लीगल नोटिस आ रहा है एसएमएस कर रहा है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है मतलब यहाँ पर हेरासमेंट पे हेरासमेंट होते जा रहे हैं तो ज़्यादा मुसीबत क्यों हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लोन एप्लीकेशन है यहाँ पर आप लोगों को समझना है एक लोन एप्लीकेशन में आप कैसे भी करके इसको इग्नोर कर सकते हो लेकिन दस लोन एप्लीकेशन को इग्नोर कैसे करोगे एक को इग्नोर किया तो दूसरा आपके साथ ऐसा गलत काम करेगा दूसरे को किया तो तीसरा ऐसा करेगा तो इस तरीके से जो है कंटिन्यू होता जाएगा कम होगा ही नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इससे निकल नहीं पाओगे आप लोगों को निकलने के लिए कुछ ऐसा स्टेप्स लेना पड़ेगा जो कि आप लोगों को इससे निकलने में मदद मिलेगा वो स्टेप्स क्या है देखिए सबसे पहला मानू कि आप लोगों ने पांच लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है तो लोन एप्लीकेशन में वन टू थ्री फोर फाइव तो आपने पांच लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है अब देखना है कि आपने किस में कितना लोन लिया है बहुत सारे लोग अमाउंट लिख के भेजते हैं कि मैंने इससे इतना लोन लिया है इससे इतना लोन लिया है तो क्या करूँ कैसे इसे इस निकलूँ देखिए सबसे पहला चीज़ है निकल तो नहीं पाएंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ठीक है पेमेंट तो करना ही पड़ेगा नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे अब यहाँ पर मैं आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ में आए मानो कि ये अपने पांच लोन एप्लीकेशन से लोन ले किसी में दस हजार किसी में बीस हजार किस में पाँच हजार किस में दस बारह इस तरीके का अकाउंट है तो आप लोगों को करना क्या है सबसे पहला अमाउंट ये जो भी है टोटल अमाउंट आप देखेंगे देखेंगे तो ये बड़ा अमाउंट हो गया लाख के आसपास जो ही हो जाता है या फिर अस्सी हजार इस तरीके का अमाउंट हो गया है अब आप लोगों को इससे निकलने के लिए करना क्या है यहां पर सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर दिखेगा अगर मानो आप कोई भी लोन एप्लीकेशन में ईसीएस एक्टिवेट है ठीक है मानो कि बीस में ईसीएस एक्टिवेट है तो कंपनी को आप मेल करो मेल करो मेल करके आपका प्रॉब्लम बताओ कि आपका जो भी है हेल्थ इशू वगैरह आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हो डॉक्टर्स को लेके ठीक है आप उनको थोड़ा सा पैसा वगैरह देके आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो उसको भेज दो आप बोलो कि सेटलमेंट चाहिए मुझे अब मानो बीस हज़ार का सेटलमेंट कंपनी तो इतना आसानी से इतना कम में करेगा नहीं वो बोलेगा ठीक है चलो भाई वे वो वगैरह कर देता हूँ वो पहले मानेगा नहीं बहुत ये करेगा लेकिन एट द एंड तक ये सेटलमेंट हो जाएगा ये बीस का आप दस में कर सकते हो ठीक है आप लोगों का यहां पर दस हजार का डिस्काउंट हो गया लेकिन आपको यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा बिना पेमेंट किए आप निकल नहीं पाओ अब यहाँ पर ईसीएस का अगर है तो मैं बता रहा हूं ठीक है अगर ई नहीं है ईसीएस अगर नहीं है तो उसका चिंता करने की जरूरत है ही नहीं आप लोग ईसीएस अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है ईसीएस वहां पर बाउंस नहीं होगा वहां पर कोई भी केस वगैरह नहीं होगा अगर मानो बाउंस होता है तो वहां पर क्या होता है कि सेक्शन ट्वेंटी के ऊपर जो है केस लगा देता है जो कि एक हेरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जो भी समन आता है वो समन जो है अलग जगह से आता है मतलब आपके स्टेट से होता नहीं है पंद्रह सौ हज़ार पंद्रह सौ किलोमीटर दूर होता है अब वो दिक्कत होता है कि आपको वहाँ पर जाना आना होगा खर्चा होगा एडवोकेट हायर करना पड़ेगा बहुत सारा जो है दिक्कत होगा तो इससे अच्छा है भाई कंपनी से जो है मेल करो मतलब समन आने से पहले ठीक है मेल करो और आप उनसे बोलो कि सेटलमेंट करना है मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा उसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हो क्योंकि एट द एंड तक लोक अदालत में जाके वो सेटलमेंट ही होगा ठीक है तो वो लोग चाहेगा भाई जितना हो सके आउट ऑफ द कोर्ट ही जो है वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाए वो लोग भी कोर्ट तक जाने में जो है झिझकता है वो लोग जाने का कोशिश नहीं करता है लेकिन फिर भी जो भी है अगर कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो कोर्ट तक चला जाता है क्योंकि उनको पता है भाई कोर्ट में जाऊंगा तो वो सेटलमेंट तो करेगा ही एट द एंड तक पैसा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा दस हजार का अमाउंट है मैं आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ दस हजार का अमाउंट है वहाँ पर पाँच हज़ार तो मिल ही जाएगा सेटलमेंट पे तो ये सब जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना वो आप अकेला आपका अमाउंट आप सोच रहे हो कि भाई कोर्ट में जाके वो केस करेगा पिटिशन फाइल करेगा उनका भी तो खर्चा है खर्चा है लेकिन आप लोग अकेले के बारे में सोच रहे हो कि आपके पास से दस हज़ार लेगा लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपके जैसे लाखों लोग हैं यहाँ पर ठीक है कोर्ट में खर्चा कितना होगा अगर लाखों लोगों से दस हज़ार करके या फिर बीस हज़ार जितना जिसका जितना अमाउंट है वो करके वापस ले लिया तो करोड़ों रुपए जो है उसका वापस आ जाएगा आप लोग समझो और उसमें से थोड़ा पैसा अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा बड़ा कंपनी है पाँच हजार करोड़ का कंपनी होता है ये सब ठीक है इन लोगों का अगर चार पाँच करोड़ पचास करोड़ भी चला जाए कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करेगा दो दिन में जो है इसका डबल ट्रिपल जो है कमा लेगा तो इसीलिए ये लोग जो भी है इस तरीके का स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं आप लोगों को डराते हैं धमकाते हैं लेकिन डरिएगा मत बिल्कुल भी जो भी ई एक्टिवेट है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाकी का चिंता करने की ज़रूरत नहीं सिविल आपका साढ़े सात सौ था वो चला जाएगा एकदम तीन सौ के आसपास कोई दिक्कत नहीं आई बाद में जब पैसा होगा टाइम आपके पास होगा अब पैसा आ जाएगा पेमेंट कर दीजिएगा धीरे धीरे करके सिविल भी बढ़ जाएगा तो ज़्यादा मुसीबत जो है आप लोगों को लगता है जितना सोचोगे आपको आप सोचोगे जितना उतना ज्यादा मुसीबत आपको लगेगा जितना सोचोगे नहीं आप लोग निकल जाओगे इससे नहीं ठीक है आप लोग सोचना मत इतना ज्यादा सोचना मत जितना सोचोगे उतना ज्यादा हैरेसमेंट करेगा तो दोस्तों आई कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना 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 बोले तब तक प्लीज चलते हैं टेक केयर जय हिंद जय भार दोस्तों